अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीए बीएससी के इंग्लिश पेपर में एक क्वेश्चन आता है ईडियम्स का, जो कि 10 नंबरों का होता है। 10 ईडियम्स आते हैं जिनमें से 5 आप स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट करने होते हैं और हर ईडियम 2 मार्क्स का होता है। तो इस सूरत में 5 ईडियम्स 10 नंबरों के बन जाते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर आप 5 ईडियम्स बिल्कुल ठीक करके आते हो तो इसके पूरे के पूरे 10 मार्क्स ही मिलते हैं। इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 50 ईडियम्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जो के सेंटेंस के साथ सॉल्व किए हुए हैं, ताकि आप लोग आसानी से याद कर लो। आप लोगों को ईडियम्स के साथ सिर्फ मैं उन ईडियम का मतलब बताऊंगा, बाकी उसका जो सेंटेंस है वो पूरा साथ लिखा होगा, आप लोग उसको ईजीली याद करते जाएं। अगर इनको आप अच्छे से तैयार कर लोगे और इनको याद कर लोगे तो आपका ये 10 नंबरों का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग सिर्फ यही 10 ईडियम्स को याद करो और बाकी रहने दो, सबको छोड़ दो। अगर आपने ईडियम्स की तैयारी कर ली है तो उनमें अगर आप इन 50 ईडियम्स को भी याद कर लोगे तो आपकी तैयारी मज़ीद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो ईडियम्स का मैं आपको बताने जा रहा हूं, हर साल बीए बीएससी के पेपर में जो ईडियम्स आते हैं वो इन्हीं 50 ईडियम्स में से ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप इनको भी याद कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आपके ईडियम्स का क्वेश्चन बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि 50 ईडियम्स कौन से हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए ताकि कोई भी ईडियम मिस ना हो सके। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूटीवी। अगर आप हमारी इसी तरह से आने वाली इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन पे भी क्लिक कर दें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। और अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत शुक्रिया। तो स्टूडेंट्स, ये सभी ईडियम्स आसान होते हैं, तो इन सभी ईडियम्स को आप लोग अपने पास नोट करते जाएं और फिर इजीली याद कर लें। नंबर 1 है अ बेड ऑफ रोजेज, इसका मतलब है आरामदेह, कंफर्टेबल। नेक्स्ट है अ बेड ऑफ थॉर्न्स, इसका मतलब है मुश्किल चीज, कांटों का बिस्तर, अ डिफिकल्ट थिंग। नेक्स्ट है जी अ बर्ड ऑफ पैसेज, इसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह बदलने वाला। नेक्स्ट है अ बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब है सरसरी जायजा। नेक्स्ट है अ ब्लेसिंग इन डिसगस, इसका मतलब है जहमत के भेस में रहमत, यानी छुपी हुई रहमत। नेक्स्ट है अ ब्लाइंड एली, इसका मतलब है बंद गली। नेक्स्ट है अ ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब है फेवरेट, पसंदीदा। नेक्स्ट है अ ब्लू स्टॉकिंग, इसका मतलब है अदबी जोक वाली औरत। नेक्स्ट है ए ब्लैक शीप, इसका मतलब है किसी खानदान का नापसंदीदा शख्स। नेक्स्ट है अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब है नागिहानी आफत, यानी अचानक कोई हादसा हो जाए। नेक्स्ट है अ बोन ऑफ कॉन्टेंशन, इसका मतलब है फसाद की जड़। नेक्स्ट है अ ब्रोकन रीड, इसका मतलब है अनट्रस्टेड, यानी भरोसा ना किया जाना। नेक्स्ट है
एज द क्रो फ्लाइज, इसका मतलब है अ स्ट्रेट वे यानी सीधा रास्ता। नेक्स्ट है एट क्रॉस पर्पसेस, इसका मतलब है मुतजाद नजरियात के हामिल यानी मुख्तलिफ नजरियात। नेक्स्ट है अ कैट एंड डॉग लाइफ यानी लड़ाई झगड़ा। नेक्स्ट है अ कैट स्पा, इसका मतलब है पंजा बिल्ली का पंजा। नेक्स्ट है एकिलेस हील यानी कमजोर पहलू कमजोरी। नेक्स्ट है अ क्लोज फिस्टेड मैन, इसका मतलब है कंजूस आदमी। नेक्स्ट है अ कोक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब है झूठी कहानी। नेक्स्ट है जी अ डार्क हॉर्स, इसका मतलब है छुपा रुस्तम। नेक्स्ट है अ डेड लेटर यानी खत्म शुदा कानून। नेक्स्ट है अ डॉग इन द मैनेजर, इसका मतलब है कोई ऐसा शख्स जो खुद भी काम नहीं करता और दूसरों को भी नहीं करने देता। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, इसका मतलब है इख्तलाफ या दुश्मनी। नेक्स्ट है अ फेयर वेदर फ्रेंड, इसका मतलब है मतलबी दोस्त। नेक्स्ट है अ फेदर इन वंस कैप, इसका मतलब है सर के ताज पर लगा हुआ पर। नेक्स्ट है अ फॉर क्राई, दूर की बात नामुमकिन बात। नेक्स्ट है अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब है बेचैन बेचैनी महसूस करना। नेक्स्ट है अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, इसका मतलब है रंग में भंग। नेक्स्ट है अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब है अहमकों की जन्नत। नेक्स्ट है अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब है मुश्किल काम। नेक्स्ट है अ हार्ड एंड फास्ट रूल, इसका मतलब है तयशुदा। नेक्स्ट है अ हेयर ब्रेथ एस्केप, इसका मतलब है बाल बाल बचना। नेक्स्ट है अ हैट्रिक, इसका मतलब है मुसलसल तीन कामयाबियां। नेक्स्ट है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसका मतलब है कोई ऐसा शख्स जो हर किस्म का काम कर सकता हो। नेक्स्ट है अ जेल बर्ड, इसका मतलब है ऐसा आदमी जो कई मर्तबा जेल जा चुका हो। नेक्स्ट है अ लेम एक्सक्यूज, इसका मतलब है झूठा बहाना। नेक्स्ट है अ लेबर ऑफ लव, इसका मतलब है बगैर मुआवजे का काम। नेक्स्ट है अलादीन्स लैंप, इसका मतलब है अलादीन का चिराग। नेक्स्ट है अ लाफिंग स्टॉक, इसका मतलब है किसी का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसना। नेक्स्ट है ऑल द रेज, इसका मतलब है बहुत ही हर दिल अजीज।
नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर, इसका मतलब है अदबी ज़ौक रखने वाला आदमी। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ पार्ट्स, इसका मतलब है गैर मामूली काबिलियत का आदमी। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्पिरिट्स, इसका मतलब है बहादुर आदमी। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब है मामूली आदमी। नेक्स्ट है अननेसेसरी ईवल, इसका मतलब है जरूरी बुराई। नेक्स्ट है अ नैरो एस्केप, इसका मतलब है बाल बाल बचना। नेक्स्ट है एनिमल स्पिरिट्स, इसका मतलब है खुशी से उछलना। नेक्स्ट है एन ओपन सीक्रेट, इसका मतलब है खुला राज। नेक्स्ट है एन आई वॉश, धोखा फ्रेब, इसका मतलब है। नेक्स्ट है अ मेडन स्पीच, इसका मतलब है पहली तकरीर। तो स्टूडेंट्स, मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सभी के लिए बेहतरी वाला मुआमला फरमाए और हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और आप सब अच्छे नंबरों से पास हों। अगर कोई बात पूछना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ आसानी से देख सकें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकअल्लाह।